कल की बंदी को लेके हम लोगों को जो लिखित में आवेदन मिला है, जो जिन पार्टी ने आह्वान किया है कल के बंद का, उसके आधार पर डेपुटेशन किया गया है पुलिस फोर्स का भी, मजिस्ट्रेट का भी, जो नौगछिया अनुमंडल है वहां पे, और जो उसमें सुबह से लेके शाम तक का उसमें समय दिया गया है, तो जो भी ऑर्गेनाइजर है उनके, उनसे हम लोगों का, प्रशासन का बातचीत हुआ है कि किसी भी तरीके की अगर हिंसा उनके द्वारा की जाती है या बाज़बदस्ती अगर किसी से दुकानें बंद कराना या फिर लोगों को रोकना उनके आवागमन में, किसी तरीके की अगर बाधा उनके द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उनको जो भी हिदायत है प्रशासन की तरफ से वो दी गई है कि किसी भी प्रकार का अगर उनके द्वारा गैर कानूनी या फिर जो जिसमें आम जनता को किसी तरीके की परेशानी हो, ऐसा अगर कार्य उनके द्वारा किया जाता है तो उनकी विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करके अगर तक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंदी के लिए परमिशन भी दिया गया है क्या? बंदी के लिए परमिशन SDM ऑफिस में उन्होंने रिटर्न में दिया है, तो शायद वहां से उनको SDM कार्यालय से परमिशन मिला है। परमिशन पुलिस नहीं देता है, ऐसे जो जुलूस वगैरह निकालने होते हैं वो परमिशन सिविल ऑफिस से मिलता है, तो SDM के यहाँ से दिया गया है, लेकिन उसी के आलोक में सशर्त उनको परमिशन दिया गया है कि वो शांतिपूर्वक जो भी उनका मतलब आह्वान है, जिस भी तरीके का जो उनको जुलूस निकालना है, तो शांतिपूर्वक तरीके से करें और किसी भी प्रकार से आम जनता को किसी तरीके की परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए। फोर्स की किस तरह से तैनाती रहेगी? जो अनुमंडल के जितने भी संवेदनशील स्थान हैं, जो कि उन्होंने जैसे जो रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया है या बाजार का एरिया है या फिर जो अनुमंडल कार्यालय से जो शुरू होकर उन लोगों का जो धरना प्रदर्शन या जुलूस की जो बात है, तो सभी जगह पे मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। बंदी को कोई किसी तरह की कोई घटना हो तो उसको रोकने की पुलिस तत्पर? हम लोग देखिए, हम लोगों ने पहले भी उन लोगों को अपने स्तर से जो उनके साथ मीटिंग की है ऑर्गेनाइजर्स के साथ में, उनको इस बारे में सचेत कर दिया गया है कि वो शांतिपूर्वक जो भी उनका मतलब आक्रोश है वो दिखा सकते हैं या अपना जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर आम जनता को किसी तरीके की परेशानी होती है या बाज़बदस्ती अगर दुकानें बंद कराने का उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई की जाती है, तो उसमें प्रशासन सख्ती से उनसे निपटेगा। जो भी वरीय पदाधिकारी हैं वो खुद भी पूरे समय में मूवमेंट में रहेंगे वहां पे, और उनपे कानूनी कार्रवाई करके सबको जेल भेजा जाएगा। किसी भी प्रकार का आम जनता को या फिर कोई भी गैर कानूनी कृत्य उस जुलूस के दौरान या उनके बंद के दौरान में पुलिस प्रशासन या जो भी सिविल प्रशासन है वो बर्दाश्त नहीं करेगा।